आज का जो पहला प्रश्न है दोस्तों आपकी स्क्रीन पे है। पहला प्रश्न है, दांडिया लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? बताना है दांडिया लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? याद रखना है दोस्तों, गुजरात से है। ऑप्शन नंबर जो है सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऐसे अगेंस्ट अवार्ड किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? आपको बताना है ऐसे अगेंस्ट अवार्ड किस खिलाड़ी के आत्मकथा है? तो देखना है तो सानिया मिर्जा। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। सानिया मिर्जा टेनिस की प्रमुख भारतीय खिलाड़ी है ना। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगला प्रश्न पे। हम लोग बहुत ही कम समय में दोस्तों इस शेड्यूल को कवर करने वाले हैं। सिर्फ आप मेरे साथ बने रहे सिर्फ 10 से 12 मिनट। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? आपको बताना है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो देखना है तो सिंगापुर में किया गया था। ऑप्शन नंबर जो इसका ए वाला राइट आंसर है तो सिंगापुर। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? आपको बताना है बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो तो कोसी नदी को, यानी ऑप्शन नंबर जो इसका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगला प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, अमजद अली खान किस यंत्र बजाने के लिए जाने जाते हैं? आपको बताना है अमजद अली खान किस यंत्र बजाने के लिए जाने जाते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों सरोद। ऑप्शन नंबर इसका पहला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का अंतिम शासक था? बताना है गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो याद रखना है तो विष्णुगुप्त था। कौन था? विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर जो इसका बी वाला राइट आंसर है तो विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त को भानुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है ना, कहीं कहीं भानुगुप्त लिखा है, कन्फ्यूज नहीं होना है, भानुगुप्त। विष्णुगुप्त को भानुगुप्त के भी नाम से जाना जाता है। दोस्तों लास्ट में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आप कितना प्रश्न का आंसर पहले से जानते थे। ठीक है, अगला है, अकबर के दरबार में राज दरबार में कितने रत्न थे? अब बताना है अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? इतना है तो 9 थे। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ? आपको बताना है चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तो 1917। ऑप्शन नंबर जो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह का प्रारंभ 1917 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों बता दूं, गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह है। प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह ही है। ठीक है, आइए हम लोग आते हैं अगला प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में पाए जाने वाली प्रमुख जनजाति है? तमिलनाडु में पाए जाने वाली प्रमुख जनजाति कौन सा है? तो है दोस्तों इरुल्स है, इरुल्स। ऑप्शन नंबर इसका पहला राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इरुल्स। नेक्स्ट हम आते हैं अगला प्रश्न पे, 10 नंबर प्रश्न में। और दोस्तों आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको किस किस टॉपिक से वीडियो चाहिए और किस प्रकार का वीडियो चाहिए ना। डायरेक्ट मैं आंसर बताऊं या फिर पूरा एक्सप्लेनेशन करूं या फिर चारों ऑप्शन को पढ़ते जाऊं, जो जैसे आपकी इच्छा आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आपका कमेंट को देखकर ही हम वीडियो बनाते हैं। या जिस जिस टॉपिक सबको चाहिए कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट है, जारवा जनजाति यहाँ पर पाई जाती है, यानी जारवा जनजाति कहाँ पर पाया जाता है? तो जो जारवा जनजाति है ये अंडमान में पाया जाता है, अंडमान। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है तो अंडमान। चलिए हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न पे। 11 नंबर, नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ? आपको बताना है नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ? तो 1 जनवरी 2015 को हुआ था, 1 जनवरी 2015। देखिए ऑप्शन नंबर जो इसका पहला राइट आंसर हो जाएगा, जनवरी 2015। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 12 नंबर पे, जापान की संसद कहलाती है? जापान की संसद क्या कहलाती है? तो जापान की संसद डाइट कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं लोग अगला प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, रियाल मुद्रा है किस देश की? रियाल जो मुद्रा है वो कौन सा देश का है? तो जो रियाल मुद्रा है
इसका राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। सऊदी अरब का मुद्रा रियाल है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब लोग याद कर लीजिएगा, जैसे कि पाकिस्तान में पूछेगा तो पाकिस्तान क्या रुपया हो जाता है, इस तरह आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। भारत का आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट है, वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो इसका राइट आंसर दोस्तों अरविंद घोष। अरविंद घोष ऑप्शन नंबर जो है सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं लोग अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, आनंद मठ के लेखक थे, आनंद मठ के लेखक थे, उनका नाम बताना दोस्तों। तो आनंद मठ के जो लेखक थे उनका नाम है बंकिम चंद्र, उनका नाम है ना, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था, बताना है सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों पाथेर पांचाली, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, पाथेर पांचाली। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? को बताना है भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? तेरा आंसर तो कोलकाता में है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, आपको बताना है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका राइट आंसर तो ग्रीनलैंड, ऑप्शन नंबर जो है सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला प्रश्न पे। आपको बताना है कि पीली क्रांति का किससे संबंध है? पीली क्रांति किससे संबंधित है आपको बताना है दोस्तों। देखना है जो पीली क्रांति है वो तिलहन से संबंधित है, तिलहन से संबंधित है ना। यहाँ से बहुत सारा क्रांति है जो पूछा जाता है, जैसे पूछेगा नीली क्रांति तो नीला क्रांति हो जाएगा दोस्तों मत्स्य पालन से, मछली पालन से हो जाएगा नीली क्रांति, ठीक है। कभी पूछता है हरित क्रांति तो वो अनाज से होता है, ठीक है, अनाज उत्पादन से होता है। सफेद क्रांति दूध उत्पादन से होता है ना, संबंधित है। पूछेगा कि सफेद क्रांति किससे संबंधित है तो दूध उत्पादन से हो जाएगा, ठीक है। रजत क्रांति तो वो अंडा से संबंधित है, ठीक है। तो इस तरह प्रश्न पूछा जाता है क्रांति से, तो यहाँ तीन चार क्रांति है जो इम्पोर्टेंस है, इसको आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस वर्ष बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया था? कौन सा वर्ष था जिस वर्ष बजट में जीएसटी का जो है जिक्र किया गया था? तो वर्ष दोस्तों 2006-07, ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों 2006-07। नेक्स्ट आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला है, राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था? राष्ट्रीयकरण से पहले बताना है आपको स्टेट बैंक का नाम क्या था? तो उसका नाम था इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर जो इसका पहला राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया उसका नाम था? आपको बताना है भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया उसका नाम था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था प्रम 8000 है ना, प्रम 8000, गलती से 100 बोल दिए ना, प्रम 8000 याद रखना है, 1000। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर थे? बताना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर थे, तो प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे, ऑप्शन नंबर इसका पहला राइट आंसर हो जाएगा सीडी देशमुख। नेक्स्ट आइए हम आते हैं अगला प्रश्न पे। मुद्रा से है ये प्रश्न, ब्राज़ील की मुद्रा है, ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? तो ब्राज़ील की मुद्रा रियाल है, रियाल, ऑप्शन नंबर जो है डी वाला, रियल है ना, तो रियल ऑप्शन नंबर पहला बी वाला रही आंसर हो जाएगा, ब्राज़ील की मुद्रा रियल हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग याद करिए, जैसे कि ये है सऊदी अरब का मुद्रा क्या है, रियाल होता है सऊदी अरब का होता है, ये सब सारा याद करिए। जैसे कि यहाँ पर वर्ण दिया ये इथोपिया का है ना, ये इथोपिया का रूबल जो होता है ये रूस का होता है, ठीक है। तो सब आपको याद कर लेना है कुछ कुछ मुद्रा जो इम्पोर्टेंस है। सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाई थी? सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाई थी? तो वो थी दोस्तों देविका रानी, थी देविका रानी, ऑप्शन
इसका पहला राइट आंसर दोस्तों देविका रानी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है इंडिया ऑस्टर गांधी के लेखक हैं, इंडिया ऑस्टर गांधी के लेखक कौन है दोस्तों? तो रखना है इंडिया ऑस्टर गांधी के लेखक रामचंद्र गुहा है। रामचंद्र गुहा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बिस्मिल्ला खां किस साज के बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? बिस्मिल्ला खां किस साज के बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? तो रखना दोस्तों बिस्मिल्ला खां शहनाई के लिए प्रसिद्ध थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तेरा है दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। पंडित मोतीलाल नेहरू ऑप्शन नंबर जो है इसका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इस ये जो पार्टी है स्वराज पार्टी, इसका स्थापना किया गया था 1923 में ना, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद के आनंद मठ भवन में की गई थी। अगला है अमर्त्य सेन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? अमर्त्य सेन को किसके द्वारा नोबेल पुरस्कार दिया गया था? याद रखना दोस्तों इनको दिया गया था वो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगला प्रश्न पे, और ये आज का आखिरी प्रश्न है। प्रश्न है दोस्तों भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? तो वो अनुसूची है अनुसूची आठ। ऑप्शन नंबर जो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम उम्मीद करेंगे कि ये प्रैक्टिस सेट आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि कम से कम समय देकर प्रैक्टिस सेट को करवाया जाए। इससे क्या होगा दोस्तों कि आप लोग का टाइम बचत होगा और भी सब्जेक्ट जो बचा है उसमें आप समय दे सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।